हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आज की हमारी वीडियो का विषय है, मोर पर ही क्यों सवार हुए स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, क्योंकि जो सुर विजयिनी शक्ति को धारण कर आसुरी वृत्ति के पुरुषों का दमन कर देश तथा मानव की रक्षा करे, वही सेनापति असुर विजयिनी शक्ति को कौमारी कहते हैं। कौमारी का वाहन मयूर सर्प का भक्षण करता है। चक्रचाल चलने वालों को भी सर्प कहा जाता है। इंद्रिय वृत्ति समूह विषय विमुख विसर्पित भाव से वक्रगति चलता है। कौमारी के साधक विजय प्राप्त करने के लिए मयूर धर्मी हो जाते हैं। मयूर को नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान शिव को भी नीलकंठ कहते हैं। मयूर के पैरों में अंकित रेखाएं मनोहर चंद्रमा की कला की भांति सुशोभित हैं। यमराज एवं काल रूपी सर्प को गले में धारण करने वाले भगवान शिव भी नीलकंठ है। मयूर के रूप में दुष्टों के संहार के लिए वे स्कंद के वाहन बने हैं, इसलिए ही कार्तिकेय भी मयूर पर सवार हुए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए। अगर आप किसी तथ्य के विषय में जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।